रतलाम में भी भाजपा ने सीए को लेकर जनजागरण शुरू कर दिया है और वार्डों में आम लोगों के साथ चर्चाएं जारी है। वहीं बता दें आपको, आने वाली 8 तारीख को भाजपा रतलाम में एक बड़ी रैली निकालने जा रही है और इसी को लेकर भाजपा के 3 विधायकों और पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी ऑफिस में हुई इस बैठक में काफी देर तक अनुमति को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस रैली की अनुमति को लेकर अभी कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। विधायक चेतन कश्यप ने बताया कि हमने प्रशासन को रैली की रूपरेखा और पूरे आयोजन की जानकारी दे दी है, लेकिन उन्होंने इसको लेकर एक आवेदन देने को कहा है। वहीं एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि भाजपा के लोगों ने आकर चर्चा की है, लेकिन अभी कोई आवेदन नहीं दिया है। हालांकि स्थिति को देखते हुए फिलहाल कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि स्थितियां सामान्य हुई तो विचार किया जाएगा। जो मून रैली 8 तारीख को निकल रही है, उसके संदर्भ में उसका मार्ग और रैली का स्वरूप क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा हुई है। और प्रशासन का कहना है कि आप इसके लिए एप्लीकेशन दे दें तो हम सामूहिक रूप से, समाज के रूप से एक रैली के लिए एप्लीकेशन हम लोग देंगे प्रशासन को, फिर ये अपना निर्णय करेंगे। परंतु रास्ते की सारी बात हो गई है, जो रूट रहेगा वो उनको बता भी दिया था और उनके जानकारी में भी है। अभी आज ये लोग रैली के संबंध में बात करने आए थे, इनको बताया गया कि रतलाम जिले में धारा 144 प्रभावशील है और ये आवेदन करें, उसके आधार पर जो भी चीज़ें संभव हो पाएंगी वो की जाएगी।